सबसे पहले यौम आजादी की बहुत मुबारकबाद। अभी हमारे एक बच्चे छोटा छोटा एक्ट कर रहे थे, हर एक्ट के जरिए कोई ना कोई पैगाम देना चाह रहे थे। तो हमने देखा जो सुना उससे ज्यादा बेहतर है कि उस सब पे हम अमल करें। अमल जरूरी है, सिर्फ सुनने से लिखने से काम नहीं चलेगा। बहुत सारी बातें यहाँ पर हजरत साहब मौजूद हैं, दीन की बातें आपको बताएंगे, लेकिन आज के दिन हम यहाँ इकट्ठा हुए ये जश्न आजादी का दिन मना रहे हैं। उसकी क्या तारीख है, हम क्यों यहाँ बैठे हैं, क्यों मना रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, या हमें इस तरह से दिखावा करने की जरूरत क्यों आन पड़ी, या आपकी सच्चाई है कि हम बहुत सारी चीजें दिखावे के चक्कर में कर रहे हैं। उसका रीजन है कि हम मुसलमानों ने पढ़ना छोड़ दिया, इल्म हासिल करना छोड़ दिया। जो आज ये मुल्क के हालात हैं, आज भी मैं कई सारे लोगों से बात कर रहा था, अपने गांव के और नौजवान से बात कर रहा था, उनके जहन के अंदर एक डर है। वो डर क्यों पैदा हुआ है, आज ये देश के हालात क्यों बने, जब तो हम आजाद हैं, जश्न मना रहे हैं। हम जिस्मानी तौर पर आजाद हैं, पर जहनियत से हम गुलाम हैं, हमारे अंदर एक डर है। वो डर कहाँ से आया, वो डर क्यों पैदा हुआ, वो डर पैदा हुआ इल्म ना होने की वजह से। हमने पढ़ाई करना छोड़ दिया। ये जरूरी नहीं कि हम इंग्लिश स्कूल में जाएं, कॉन्वेंट में जाएं, वहां पढ़े, आप मदरसे में आए, मदरसे में पढ़े, किसी इंग्लिश स्कूल में पढ़े, कॉन्वेंट में पढ़े, पर पढ़ना जरूरी है, इल्म हासिल करना जरूरी है। अभी स्टेज पर मौजूद बहुत सारे लोग प्रोग्राम हो रहे हैं, महात्मा गांधी का वहां पर जिक्र होगा, भगत सिंह का वहां पर जिक्र होगा, बक्तेश्वर दत्त का वहां पर जिक्र होगा, और मुश्किल से अशफाकुल्लाह खान का जिक्र होगा। क्या मुसलमानों ने आजादी में हिस्सा नहीं लिया, आजादी की तहरीक में मुसलमानों ने हिस्सा नहीं लिया, लिया, बट हमें मालूम नहीं क्यों। हमने अक्सर देखते हैं आस पास हमारे गांव में लोग दुकानों पे बैठे होते हैं, जिक्र कर रहे होते हैं, बहस शुरू हो जाती है, बट उन्हें मुसलमानों के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि मुसलमानों ने आजादी की तहरीक में क्या किया, कौन वो लोग थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। उनको उसके नाम पर सिर्फ एक नाम याद है, अशफाकुल्लाह खां, क्योंकि उनको फांसी दे दी गई थी, उनका नाम सुन लिया। बहुत ज्यादा तो मौलाना आजाद, आप किसी से पूछ ले कि उन्होंने क्या किया तो किसी को नहीं मालूम। तो उलमाए किराम से भी मेरी गुजारिश है कि इसका भी जिक्र करें। बहुत सारे हमारे उलमा हैं जो बाहर जाते रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे गांव बस्ती के जो लोग हैं काम करने जाते हैं बाहर, अक्सर लोगों के सामने ये सवाल आता है कि मुसलमानों ने आजादी में क्या किया, वो कौन मुसलमान थे, क्या क्या किया उन्होंने। हमारे देवबंद के हजरत महमूद हसन साहब, जिनको शेखुल हिंद का खिताब मिला, उन्हें शेखुल हिंद क्यों कहा गया। हम नेता सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, अच्छी बात है, हमें करनी चाहिए, हमें शेखुल हिंद की भी बात करनी चाहिए। नेता सुभाष चंद्र बोस फौज तैयार करी, उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, शेखुल हिंद ने यहाँ पर जद्दोजहद की, उसके बाद सऊदी अरब गए। सन 1919 में इसको हम ऑटोमन एम्पायर बोलते हैं, तुर्किस्तान, जिसको उस्मानिया सल्तनत बोलते हैं, उस्मानिया सल्तनत से मिलकर हिंदुस्तान से अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए भी पूरी तैयारी की। रेशमी रुमाल, शायद ही चंद लोग होंगे जिन्होंने वो तहरीक के बारे में सुना होगा। हम आजादी का जश्न मना रहे हैं कि आजादी हमें हासिल हुई कैसे, किन किन हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी, बहुत मुश्किलात झेले। एक शेर शायर ने कहा था कि जिस शख्स को अपने बुजुर्गों की रवायत ना रहे याद, उस शख्स की यारो जहां में कोई पहचान नहीं है। एक शेर के जरिए अपनी बात कहना चाहूंगा, जो आज देश में मुसलमानों के हालात हैं, आजादी होने के बावजूद पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, पर बाग तो सारा जाने है। और जब गुलिस्ता को लहू की जरूरत पड़ी, जब गुलिस्ता को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं मुझसे हमारा चमन, फिर भी कहते हैं मुझसे ये अहले चमन, ये चमन है तुम्हारा हमारा नहीं, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। पर इल्जाम लगते हैं कि आप गद्दार हो, मुसलमान आतंकवादी हैं,
मदरसों में गद्दारी सिखाई जाती है। ये वही मदरसा यहाँ के बच्चे तिरंगा लेकर बैठे हुए हैं। इस मदरसों से इतने इतने बड़े बुजुर्ग जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, क्योंकि हमने उनका जिक्र करना ही छोड़ दिया। जब हम खुद जिक्र नहीं करेंगे तो गैर उनका जिक्र क्यों करेंगे। महात्मा गांधी का जिक्र होता है, सारे करते हैं, उन्होंने आजादी के लिए बहुत कुछ किया, हम भी करते हैं। शेख उल हिंद का जिक्र क्यों नहीं होता, हम कहेंगे नहीं गैर मुस्लिम नहीं करते। गैर मुस्लिम इसलिए नहीं करते क्योंकि मुस्लिम नहीं करते। किसी भी स्टेज से शेख उल हिंद का, महमूद हसन का नाम क्यों नहीं लिया जाता, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम क्यों नहीं लिया जाता, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी का नाम क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि कौन हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। कितने नाम गिनाऊं, आप किसी से पूछिएगा, किसी मुसलमान से, कि आजादी में मुसलमानों का क्या रोल था। चंद दो नाम, मुश्किल से दो नाम, मौलाना आजाद, अशफाकुल्लाह खां। क्यों क्यों उन बुजुर्गों का नाम क्यों नहीं लेते, हमें ये नाम लेना पड़ेगा। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, कौन जानता है, हमारे हजरत बैठे ये लोग जानते हैं, ये जिक्र भी करते। आप सब क्यों नहीं जिक्र करते इनका। कभी किसी मुफ्ती किसी आलिम से पूछा आपने कि हमारे कौन अकाबिर थे, कौन बुजुर्ग थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, हमारा हिंदुस्तान में हिस्सा है तो क्यों है, हम यहाँ सिर्फ पैदा हुए इसलिए नहीं, हम गुलाम थे और हमने इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ा तो बहुत मुश्किल से तोड़ा, बहुत लड़ाइयां लड़ी। कभी आप शामली का इतिहास पढ़े, सहारनपुर का इतिहास पढ़े, देवबंद का इतिहास पढ़े, पर हमने पढ़ना ही छोड़ दिया। जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा इंसान वही इतिहास पढ़े। हमारे गांव के जो लोग हैं, हम सब क्यों जानते हैं, यहाँ पर भाई बहन सब बहुत चालाक है, जने कितने एक्टर, जने कितने खिलाड़ियों के नाम याद होंगे, अक्सर हम बात करते थे सबको याद होते हैं, पर हमें नहीं लगता किसी को फजल खैराबादी का नाम याद होगा। क्यों नहीं याद है फजल खैराबादी, ये सीतापुर के पास पड़ता है खैराबाद, यहीं के रहने वाले थे। जौहर बिरादरान का नाम क्यों नहीं याद है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। देश की आजादी में बहुत बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं, बट उनको पढ़ना पड़ेगा तभी हम अपनी बात रख सकते हैं, अपना हिस्सा हक मान सकते हैं। आज जो हमें नजर चुरा कर चलना पड़ता है ना, लगता ना कि मुसलमान परेशान है, वो किसी गैर की वजह से नहीं है, वो हम अपनों की वजह से है। हम मुसलमानों ने वो काम करने ही छोड़ दिए। कोई हिंदी पढ़ गया, कोई आलिम बन गया, तो कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, मुसलमान कौन बचा। सबने अपनी अपनी फील्ड पकड़ ली। हमें इंसान रहना है, मुसलमान रहना है, अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अपने बुजुर्गों को हम नहीं याद करेंगे तो कोई नहीं याद करेगा। सर सैयद अहमद खां का जिक्र हमने किसी को करते नहीं सुना, मौलाना हिफ्जुर रहमान का जिक्र किसी को करते सुना ही नहीं हमने। क्यों नहीं सुना, क्योंकि हमने पढ़ना छोड़ दिया, जिक्र करना ही छोड़ दिया। तो सबसे जरूरी है कि पढ़े, जिक्र करें। नहीं मालूम है हमारे इतने उलमाए किराम है, आलिम है, आफिज है, मुफ्ती है हमारे गांव में, उनसे जिक्र करें। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे मिले, उनसे जिक्र करें। खैर बहरहाल आज जश्न आजादी का मौका है तो ज्यादा नहीं, ये है कि अपना इतिहास पढ़े। आज हम यहाँ इतनी देर से बैठे हैं, दो ढाई घंटे हमने टाइम दिया, अपने बच्चों का एक्ट देखा, जो भी पैगाम है उस पर अमल करें और अपने मुसलमानों के बारे में पढ़ें। पढ़ना बहुत जरूरी है। एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा, तिरंगा फहराने का भी वक्त हो रहा है। अल्लामा इकबाल का शेर है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, और यूनान मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, यूनान मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान जिंदाबाद।